बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी। खिलाड़ियों को लगातार समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी अपना समर्थन दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश के साथ बैठे दिखाई दिए बीरेंद्र सिंह। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। खिलाड़ियों को लगातार समर्थन मिल रहा है और यहाँ खिलाड़ियों के समर्थन में नेताओं पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से इस में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं खिलाड़ी और मांग कर रहे हैं WFI अध्यक्ष की दरअसल गिरफ्तारी की। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल बीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी खिलाड़ियों को अपना समर्थन में दिया। और इस दौरान की ये तस्वीरें जो हैं वो इस समय हमारे साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस समय कमल कौशिक आउटपुट है, हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। कमल, देखिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, एक एक करके नेता सभी पहुंच रहे हैं। अब बीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप बीरेंद्र सिंह के इस दौरे को या फिर पहलवानों से इस मुलाकात को? देखिए अवंतिका, हम पिछले कई दिनों से लगातार देख पा रहे हैं कि कई नेता यहाँ पर विपक्ष के जंतर मंतर पर पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे हैं। खासकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पर पहले पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे थे, कुमारी सेलजा के साथ भी कई विधायक पहुंचे थे और कांग्रेस ने तो हरियाणा में भी और केंद्रीय स्तर पर भी खुला समर्थन खिलाड़ियों को दे दिया। जी भी बड़ा नेता यहाँ पर पहुंचता है तो उसके बाद जरूर चर्चा होनी चाहिए, जो कि आप और हम कर भी रहे हैं। हमारे दर्शक उस तस्वीर को भी देख पा रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे बीरेंद्र सिंह, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार में रहे हैं और उसके बाद इनके जो बयान है वो सुर्खियों में खासा रहे हैं, इनके जो बेटे उनके बयान भी सुर्खियों में खासा रहे हैं। ऐसे में बीरेंद्र सिंह का यहाँ पहुंचना कई मायनों में खास भी है, चर्चा का विषय भी है, क्योंकि यहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ बीरेंद्र सिंह जो बैठे हैं उन्होंने ट्वीट कर इस बात को भी बताया है कि आज जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, बेटी बेटियों से मुलाकात की है, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है। तो ऐसे में बीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीरेंद्र सिंह ने अपना खुला समर्थन तो दे दिया है, खुद वो जंतर मंतर जब पहुंच रहे हैं। जी। अब ऐसे में जब उनके बेटे से जो कि बीजेपी के सांसद हैं पूछा जाएगा तो वो क्या कहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बड़ी बात कमल ये भी है कि अभी तक देखिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियों के जो नेता हैं वो तो लगातार जंतर मंतर पहुंच ही रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के कई नेता पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता पहुंचे ये अभी तक नहीं देखा गया। और ऐसे में बीरेंद्र सिंह अब पहुंच गए हैं, सांसद उनके बेटे हैं बीजेपी से, और ऐसे में क्या पार्टी के लिए क्या मुश्किलें क्रिएट करेगा या फिर क्या पार्टी लाइन से अलग जाकर इसे देखा जाएगा, किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि हरियाणा प्रदेश में अगर बीजेपी के नेताओं से पूछा जा रहा है तो उनका समर्थन वो भी इस समय पहलवानों के साथ शो कर रहे हैं, लेकिन धरना स्थल पर कोई पहुंचा नहीं अब तक। देखिए नपातुला बयान हरियाणा में बीजेपी के नेता दे रहे हैं। अवंतिका, आप भी जानते हैं इस राजनीति को कि सत्ता पक्ष में होता है और कोई अगर ऐसा मुद्दा आता है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ लगता है और विरोधी उसको हथियार बना लेते हैं तो यहाँ पर बैलेंस तरीके से जवाब दिया जाता है। हरियाणा में बीजेपी के नेताओं से जब पूछा जाता है तो पूरी तरह से वो नकारते नहीं है कि वो खिलाड़ियों के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन वहां पर पहुंचना, आपने ठीक कहा कि सत्ता पक्ष से यानी कि बीजेपी पार्टी जो सत्ता में है उसका कोई नेता पहुंचता है, वो भी ठीक ठाक कद वाला नेता, उसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है। बीजेपी के नेताओं से जरूर फिर उसके बाद पूछा जाना चाहिए कि जब समर्थन इस तरह से दिया जा रहा है और ये तो चेहरा केंद्रीय स्तर पर भी रहा है बीरेंद्र सिंह, और ये केंद्रीय खेल मंत्रालय का एक बड़ा मसला है जो जुड़ा हुआ है खिलाड़ियों से, अगर बीरेंद्र सिंह यहाँ पर जाकर कोई आश्वासन देते हैं और या फिर ये भी कहते हैं कि बड़े नेताओं से मैं मुलाकात करूंगा, बातचीत करूंगा इस मसले पर, समर्थन क्योंकि वो दे रहे हैं, तो इसलिए जरूर अब विरोधियों को एक और मौका मिल जाएगा कि बीजेपी में क्या एक से बयान सामने नहीं आ रहे, कोई बीजेपी के नेता कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह से बीरेंद्र सिंह अब अगर यहाँ पर जाएंगे तो जरूर कांग्रेस के नेता या फिर इनेलो के नेता अभय चौटाला या बाकी जो नेता है आम आदमी पार्टी, वो भी जरूर इस सवाल को पूछेंगे कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप इन खिलाड़ियों के साथ हैं कि नहीं है।
अगर है तो वहां पर बाकी बीजेपी के नेता क्यों नहीं जा रहे, अकेले बीरेंद्र सिंह जो कि लीग से हटकर कई बार बयान देते हैं, और ऐसा भी लगता है कि ये जो बयान है ये पार्टी के खिलाफ सा लगता है, हमने कई मामलों में देखा है और कई जगह हमने देखा है राजनीतिक मोड़ पर भी अलग अलग बयान देखे जाते हैं बीरेंद्र सिंह के, आप जानते हैं गठबंधन को लेकर, चाहे उनके बेटे की बात करें, चाहे उनकी पत्नी की बात करें, चाहे खुद बीरेंद्र सिंह की बात करें, आप जानते हैं जेजेपी को लेकर मुखर होते हैं ये तीनों के तीनों। आज इस मसले पर अलग स्टैंड क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे बीरेंद्र सिंह की, कोई कुछ भी करे बीजेपी का नेता मैं तो जाऊंगा यहाँ पर और मुलाकात करूंगा खिलाड़ियों से, इससे पहले चर्चा चल रही थी, आज उन्होंने जाकर एक बार फिर से इस चर्चा को जन्म दे दिया है कि अब विरोधी बीजेपी को लेकर क्या सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए ये जो सवाल जो है वो अब जाहिर तौर पर खड़ा हो गया है, और ये चर्चा जो है वो अब आगे होगी कि बीरेंद्र सिंह अगर पहुंच रहे हैं तो इस पर विपक्ष की पार्टियों की क्या किस तरह की प्रतिक्रिया आती है वो भी देखना होगा, बीजेपी को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया कमल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इससे मैं आपको बता दें कि पहलवानों के बीच में पहुंच रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, और इस मुलाकात को लेकर अब सवाल जो है वो शुरू हो गए हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो साझा की गई है, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंचे पहलवानों के बीच में उनसे मुलाकात करने के लिए। अभी तक क्योंकि पहलवानों को समर्थन देने के बाद तो भले ही बीजेपी की ओर से या बीजेपी के नेताओं की ओर से इस समय प्रदेश में की जाती रही हो, यहां तक कि बार बार ये भी कह दिया जाता है कि पहलवानों के पूरे साथ हैं, लेकिन जांच का विषय जाहिर तौर पर है। हमारे साथ प्रवीण अत्रे बीजेपी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अत्रे साहब, चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंचे हैं पहलवानों के बीच में उनसे मुलाकात करने के लिए, अभी तक हमने देखा बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचा, लेकिन अब बीरेंद्र सिंह पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस मुलाकात को या पार्टी देख रही है? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले दिन ही बोल दिया था कि न्याय होना चाहिए, जांच का विषय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, और जांच के अंदर जो भी दोषी हो उसको सजा मिले हमारा तो बड़ा स्पष्ट मान। जहां तक वीरेंद्र सिंह जी की बात है, वीरेंद्र सिंह जी का देखिए राजनीति में हर व्यक्ति का एक मत होता है, जब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि जो भी दोषी व्यक्ति उसको सजा मिलनी चाहिए, तो ऐसे में वीरेंद्र सिंह जी धरने पे जाते हैं, मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी तरह का कमेंट करना। लेकिन अत्रे साहब देखिए, जब पहलवान अभी बैठे हैं, करीब एक महीना होने को आया उनके इस धरने को, और उन्होंने शुरुआत से ये बात कहा था जो भी राजनीतिक पार्टी के नेता आने चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है हमारे मंच पर, बीजेपी के नेता भी आना चाहते हैं तो बीजेपी के भी लोगों का स्वागत है, लेकिन कोई पहुंचा नहीं। सवाल इसलिए है कि बेशक आप लोगों की ओर से भी शुरुआत से कहा गया, जैसे आप कह रहे हैं कि न्याय का विषय है, जो सही है जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, सही के साथ न्याय होना चाहिए, बेशक ये बात आप शुरू से करें, लेकिन आपका कोई भी बड़ा नेता पहुंचा नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंचे, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पहुंचे, लेकिन बीजेपी से कोई नहीं गया, ये पहले नेता हैं जो पहुंचे हैं। नहीं देखिए, धरने पे पहुंचना और जरूरी नहीं है, मुझे लगता है जहां तक अपोजिशन की आपने बात की है, हुड्डा साहब की बात की है, वो तो पहले दिन से इसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब मामला कोर्ट के संज्ञान में आ जाए, जिसके ऊपर बाकायदा कोर्ट की डायरेक्शन इश्यू हो जाए, दिल्ली पुलिस FIR दर्ज कर ले, जो कि धरने की पहली मांग थी कि FIR दर्ज करे, जब FIR दर्ज हो जाए उस पर जांच शुरू हो जाए, जो इन्होंने आरोप लगाए उनके बयान दर्ज हो चुके हैं, आरोपी के बयान दर्ज हो चुके हैं, तो हमारा तो न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास करती है और न्याय व्यवस्था इसके ऊपर न्याय करेगी, हमारा ये पूरी तरह से मानना है जी। और जब न्यायिक व्यवस्था उस विषय पे जांच करके न्याय करेगी, दोषी जो भी होगा उसको सजा मिलेगी, तो उसके लिए धरने पे जाना मुझे नहीं लगता किसी तरह से भी जरूरी है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पहुंचना जरूरी है? लेकिन आपको नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंच रहे हैं, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कह दिया कि वो तो राजनीति करते हैं, लेकिन अब आपकी पार्टी से नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं, जाहिर तौर पर उसे भी आप उसी चश्मे से देखेंगे। बहुत शुक्रिया अत्रे साहब जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ।